कोटड़ा राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पास जमा हुए कचरे को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बारिश का मौसम चल रहा है और शहर में सफाई की व्यवस्था सुचारू न होने के कारण शहरवासियों को कई तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ नज़ारा सामने आया कोटड़ा में, जहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पास कचरे का ढेर लगा हुआ है। बारिश के पानी के चलते अब कचरा सड़ने लगा है और बहता हुआ स्कूल परिसर में प्रवेश कर रहा है। जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी शैलेश गुप्ता ने बताया कि नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 1 में राजकीय विद्यालय के पास से कचरा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही क्षेत्र में बदबू फैल रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि नगर निगम से इस बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन इस मामले में निगम द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किस तरीके की समस्या है और क्या है? आज बारिश बहुत तेज थी। मैं सुबह यहाँ से निकलना हुआ तो वार्ड नंबर 2 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जो बरसों पुराना विद्यालय है, इसके अंदर वार्ड नंबर 1, 2, 3 के बच्चे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो मेरा जिला प्रशासन से ये निवेदन है कि जैसे वहाँ देखिए आप कचरा कितना ढेर लग रहा है, तो वो सारा जो यहाँ महीनों से पड़ा है कचरा, इसके ऊपर कई बार यहाँ के जो लोकल हैं, प्रिंसिपल साहब ने, स्टाफ ने, जो रहने वाले हैं, इन लोगों ने नगर निगम में शिकायत करी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं। अब वो बरसात का पानी, जैसे आज मैं आया जब पानी बहुत तेज़ था, वो सारा इस स्कूल के अंदर भर गया, देखो अंदर तक आप गीला ही गीला हो रहा है। तो मेरा जिला प्रशासन से ये निवेदन है, कृपा करके इसके ऊपर ध्यान देवें और इस कचरे को या तो हमारी रैम बना दें, 10-10 लाख रुपये और 20-20 लाख रुपये जो बजट पास होते हैं उसमें स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, अभिभावक आते हैं, कोई स्टाफ है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो मेरा निवेदन है कि इस पर कार्रवाई हो और वहाँ पे एक डिब्बा लगाया जाए, क्योंकि वो डिब्बा कचरा है ना, जो क्षेत्रीय जो वार्ड नंबर 2 के जो भी हैं, तेया चौक के जो निवासी हैं आसपास के, वो सारा कचरा वहाँ डालते हैं और वो कचरा बह करके बरसात के अंदर, हवा आई तो हवा के साथ आ जाता है, आज बरसात का मौसम, चलो बरसात में आ गया, नहीं तो वैसे हवा से आ जाता है, आंधी से, तूफान से, सब स्कूल में आता है। तो यहाँ पे मेरा ये निवेदन ही है प्रशासन से, इस ओर ध्यान देवे, एक कचरा डिपो को हटवावे या डिपो लगवावे, कचरा यहाँ से हटावे और स्कूल का जो रैंप है इसको ऊँचा किया जावे, और जो भी कमरे देखो आप जर्जर अवस्था के अंदर, बरसों पुराना स्कूल है, सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, आप इसको स्थिति देख लो, ये स्कूल नीचे बैठता रहा, रोड ऊपर उतर रहा है। तो प्रशासन, लाखों रुपये का आपका बजट आता है, उस बजट को यहाँ पर भी लगाया जाए। शैलेश गुप्ता। किस तरीके की समस्या आ रही है यहाँ कोटड़ा स्कूल के आसपास? बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ कचरा इतना इकट्ठा करते हैं, आसपास के सारे लोग कचरा डालते हैं, कचरे की स्थिति है कि पानी के अंदर सड़ता है, रोज उड़ता है, उड़ उड़ के घरों में जाता है, मतलब कई बार शिकायत की, नगर निगम को शिकायत की, उनको ला के दिखाए भी, लेकिन कोई जो कार्रवाई होनी चाहिए ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हुई। पोर्टल पर भी शिकायत की गई, 181 संपर्क पोर्टल पर कई बार शिकायत की गई, शिकायत का भी क्या है, ये जवाब जो देते हैं वो केवल गुमराह करते हैं, एक बार कचरा उठा देते हैं और कहते हैं हमने सफाई कर दी, संपर्क पोर्टल पे निस्तारण कर देते हैं, जबकि वस्तु स्थिति है कि केवल एक बार कचरा उठाने से नहीं, यहाँ का डिपो चेंज किया जाए, क्योंकि चौराहे पे बच्चे परेशान होते हैं, बदबू आती है, यहाँ आसपास रहते हैं, पास के लोग परेशान रहते हैं, इसलिए इसको डिपो को यहाँ से चेंज किया जाए, आसपास कहीं और जगह लगाई जाए, हाँ जहाँ जानवर जमा रहते हैं, गंदगी पानी, अभी इस समय कितना पानी भरा है, पानी में कचरा सड़ता है, लेकिन किसी, हाँ कोई ध्यान नहीं देता, ये स्कूल है, स्कूल बड़े परेशान, मतलब पूरे लोग आसपास वाले सारे परेशान हैं, देखने कचरे का कोई कार्य नहीं होता, क्या मानते हैं पानी से ये कचरा भी बह, हाँ पानी से कचरा बहके जाता है, स्कूलों में जाता है, घरों में जाता है, ये घर जो भी नीचे हो रहे हैं उनके घरों के अंदर तक जाता है, लोग बहुत परेशान हैं। कोई, मेरा नाम है डॉक्टर कैलाश गोयल।